हाय एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल के बारे में, और सेल के थ्री मेजर पार्ट होते हैं और टू सेल के टाइप होते हैं। थ्री मेजर पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म देखा था, और सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। इसको ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल का रफ डायग्राम मैं बना देता हूं। इधर ये बाहर का इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ये प्रोटीन और लिपिड का बायलेयर है। जैसे मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ का पीस कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया, तो इसका स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखेगा। ये स्ट्रक्चर है ना, ऐसा दिखता है। ये होता क्या है, इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर। मतलब ये फॉस्फोलिपिड का डबल लेयर से बना होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड के बारे में हम पहले जान लेते हैं, क्या है फॉस्फोलिपिड। इस सेल का डायग्राम में मिटा देता हूं, और यहां फॉस्फोलिपिड हम बनाएंगे। ये टेंट रीजन नॉन पोलर होता है, और ये बना होता है फैटी एसिड से। और फॉस्फोलिपिड का हेड रीजन ये होता है पोलर, जिसको कहते हैं हेड रीजन होता है पोलर। ये हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल रीजन हाइड्रोफोबिक होता है। हेड रीजन बना होता है अल्कोहल। फॉस्फोलिपिड का हेड रीजन बना होता है अल्कोहल प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट। इसका हेड जो बनाता है वो अल्कोहल प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फोलिपिड के कंपोनेंट से बनाता है। इसके लिए ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटर। वाटर से ये कोई भी बॉन्ड नहीं
क्रिएट कर सकता है और ये वाटर को हेट करता है, इसलिए वाटर हेट होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब। मैं एक रफली सेल का डायग्राम बना देता हूँ, इधर ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर भी एक्वाटिक कंपोनेंट होता है, मतलब एक्वाटिक कंपार्टमेंट होता है, और बाहर के साइड भी एक्वाटिक कंपार्टमेंट होता है, मतलब सेल के अंदर भी पानी होता है और बाहर भी पानी होता है। इसके लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब जो बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है, ये इनसाइड है ऐसा मानकर चलेंगे हम, और ये आउटसाइड है ऐसा मानकर चलेंगे, यहां भी पानी होता है और यहां भी पानी होता है। इसके लिए जो ये हेड रीजन है पोलर होते हैं वो पानी के बाजू में आते हैं, यहां भी आउटसाइड में भी ऐसा ही है, बाहर पानी है इसके लिए पानी के बाजू इसका हेड होता है। फ्लूइड मॉडल होता है, मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड है ये इसकी जगह चेंज कर सकता है, यहां से ये यहां आ सकता है, यहां का ऊपर मतलब इनसाइड का फॉस्फोलिपिड आउटसाइड के लेयर में आ सकता है, इसको बोलते हैं फ्लूइड मॉडल। फ्लूइड मॉडल ये साइंटिस्ट सिंगर और निकलसन ने 1972 में डिस्कवर किया था, मतलब उस टाइम बहुत से साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बहुत से मॉडल दिए थे, लेकिन सबसे आसान और बेस्ट मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल वो हम देखेंगे। तो सिंगर और निकलसन ने जो बताया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं क्या होता है। उन्होंने बताया था फ्लूइड, फ्लूइड मतलब जैसे तरंग, पानी में या हवा में जैसा कोई भी सब्सटेंस अपनी जगह चेंज कर सकता है उसको हम तरंग कहते हैं। जैसे हवा से कचरा या डस्ट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तरंग उसको कहते हैं। मोजाइक, मोजाइक मतलब एक के ऊपर एक कांच का या पत्थरों का रखा हुआ स्ट्रक्चर, उसको मोजाइक कहते हैं। सिंगर और निकल्सन ने बताया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल के पांच मेन कंटेंट होते हैं, मैं सीक्वेंस वाइज वो लिख देता हूं। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड, सेकेंड आता है इंट्रेंसिक प्रोटीन, थर्ड आता है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, चौथा होता है ग्लाइकोलिपिड, है कोलेस्ट्रॉल। उन्होंने मॉडल का एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो साइंटिस्ट निकल्सन और सिंगर को ये उन्होंने ऐसा मॉडल दिया था। पहले तो फॉस्फोलिपिड्स उनका कंटेंट था, ये होता है फॉस्फोलिपिड्स, और उनको ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा था कि एक के ऊपर एक जैसे पत्थर या कांच का ढेर लगा हो, इसलिए उनको उन्होंने इस मॉडल का नाम मोजाइक, फ्लूइड मोजाइक मॉडल कर दिया। एक तो फ्लूइड मतलब ये जगह चेंज कर सकता है, और मोजाइक मतलब ये जैसा पत्थर या कांच का टुकड़ों का ढेर लगा हो। इंट्रेंसिक प्रोटीन का काम क्या होता है, ये जो बाहर लगे हुए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये बाहर का पार्टिकल अंदर जाने के लिए कोई कंपोनेंट या कोई सॉलिड पार्टिकल होगा तो अलाउ करते हैं, तो उनको अंदर भेजने का काम करते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये अंदर से होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके, ये जैसे
पाइप का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होलो स्ट्रक्चर होता है अंदर से। इंट्रेंसिक कोटिंग का काम होता है जो पार्टिकल अलाउ किया है वो अंदर जाए, जाने देना। थर्ड है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन बाहर की साइड में लगा होता है। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन का काम होता है कि जो पार्टिकल अंदर आ रहा है वो चेक करना। उनको चेक करने के लिए भी एक्सट्रेंसिक प्रोटीन सिर्फ तीन ही कंडीशन पे अंदर छोड़ता है पार्टिकल को। सेल से छोटा पार्टिकल हो तभी वो अंदर छोड़ता है। सेकंड उनका कंडीशन होता है नॉन पोलर पार्टिकल होना चाहिए, मतलब जो पार्टिकल अंदर जा रहा है वो नॉन पोलर होना चाहिए तभी वो अंदर अलाउ करते हैं। और थर्ड कंडीशन होती है नो चार्ज मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब जो पार्टिकल अंदर जा रहा है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होनी चाहिए तभी ये अलाउ करते हैं सेल के अंदर जाने को। थर्ड फोर्थ आता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स ये यहां प्रेजेंट होते हैं सेल के बाहर भी और अंदर भी। वो क्या करते हैं, जो मैं पहले भी हमने देख लिया कि एक्वाटिक कंपोनेंट होता है सेल के अंदर और बाहर भी, तो ये क्या करते हैं सेल को एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्रिएट करते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड क्रिएट करना काम होता है ग्लाइकोलिपिड्स का। और कोलेस्ट्रॉल का काम होता है सेल में इमोबिलिटी पैदा करना, मतलब सेल के अंदर और बाहर दोनों साइड भी पानी होता है। समझ लीजिए बाहर का पानी सेल के अंदर गया तो सेल बस्ट हो जाएगी, और अंदर का पानी बाहर आ गया तो सेल श्रिंक हो जाएगी और डेड हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने का काम और इमोबिलिटी पैदा करने का काम कोलेस्ट्रॉल का होता है, ऐसा सिंगर और निकलसन ने उनके मॉडल के अंदर बताया था। तो हम अभी देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करता है और इसका काम क्या होता है सेल में। फर्स्ट तो ये अलाउ प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब सभी पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता, सभी से प्रोटेक्शन करता है सेल के ऑर्गेनल्स को। सेकंड इसका काम होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब जो जरूरत है उसी पार्टिकल को अंदर जाने को अलाउ करना और बाहर आने को अलाउ करना। थर्ड इसके प्रॉपर्टीज है सेल के स्ट्रक्चर मेंटेन करना, मतलब एक पर्टिकुलर साइज सेल को देने का काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और नीचे दिया गया सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन जरूर दबा देना फॉर माय नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।